दोस्तों हमारा घर में जब ही दोस्तों वॉल पुट्टी का काम होता है, मतलब वॉल पुट्टी ख़त्म हो जाने के बाद ज़रूरी हो जाता है दोस्तों सेंट पेपर से हमारा जो वॉल पुट्टी है उसमें भैया घिसाई करने का। क्योंकि दोस्तों जब तक हम लोग सेंट पेपर से दोस्तों घिसाई नहीं करेंगे तब तब हमारा जो वॉल पुट्टी है वो दोस्तों देखने में शाइन नहीं लगेगा, अच्छा नहीं लगेगा और फिनिशिंग भी दोस्तों देखने में नहीं लगेगा। क्योंकि दोस्तों हम लोग वॉल पुट्टी हमारे घर में इसीलिए भैया करता है ताकि दोस्तों हमारा जो पेंट है पेंट देखने में भैया हमें बहुत ज़्यादा फिनिशिंग मिले और देखने में लगे कि भैया इसमें सही में वॉल पुट्टी हुआ है। अब सवाल है दोस्तों, अगर आप लोग घर की मालिक है तो जाहिर सी बात है दोस्तों आपके घर में किसी भी पेंटर दोस्तों आएंगे वॉल पुट्टी करेंगे और आप दोस्तों आपको उतना मालूम नहीं है कि सही में पेंटर लोग हमारा घर में अच्छे से घिसाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है। इसीलिए दोस्तों आज की इस वीडियो में अगर आप देखेंगे तो सही में दोस्तों प्रॉपर तरीका से आपको भी समझ में आ जाएगा कि इस तरह से भैया वॉल पुट्टी में सैंड पेपर से घिसाई होता है। तो दोस्तों आपको बता दूँ, जब भी दोस्तों वॉल पुट्टी का काम आप लोग करेंगे दो से तीन कोट हो जाने के बाद जब उसमें घिसाई करने का बारी आता है तो या तो दोस्तों आप लोग 150 नंबर सैंड पेपर की घिसाई करेंगे या फिर 180 या फिर 220 वाला जो सैंड पेपर है उसी से दोस्तों घिसाई किया जाता है वॉल पुट्टी। तो दोस्तों आपको चेक कैसे करना है, जब भी दोस्तों आप लोग घिसाई करेंगे तो आपको दोस्तों एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आपका घर में अगर कोई भी लाइट हो, टॉर्च लाइट जो होता है, लाइट से भैया आपको चेक करना है कि जो हमारा वॉल है उसमें दोस्तों आपको लाइट को सटा कर देखना है। अगर दोस्तों उसमें ज़रा सा भी गड़बड़ी है या नस में दोस्तों थोड़ा ऊंचा नीचा है तो आपको दोस्तों खुद भी देखने में आ जाएगा कि भैया इसमें थोड़ा गड़बड़ी है, इसमें थोड़ा प्रॉब्लम है, तो यहाँ आप लोग ठीक करो। क्योंकि दोस्तों बहुत जगह में हमने देखा है कि जब भी सैंड पेपर से घिसाई होता है तो भैया मिस्त्री लोग सही से घिसाई नहीं करता है और जगह जगह में छूट जाता है। और जब भी दोस्तों हम लोग उसमें पेंट करता है तो पेंट हो जाने के बाद जब उसमें प्रॉपर तरीक़े से लाइट आता है ना हमारा घर में तो दोस्तों जगह जगह में थोड़ा ऊंचा नीचा देखने में लग जाता है। तो इसीलिए भैया अगर आप लोग वॉल पुट्टी का काम कर ही रहा है तो जाहिर सी बात है दोस्तों आपको चेक करना है कि किस तरह से काम हो रहा है। और आपका चेक तभी होगा जब उसमें आप लोग प्रॉपर तरीक़ा से लाइट पकड़ के देखेंगे वॉल पर, तो भैया आपको समझ में आ जाएगा कि इसमें प्रॉब्लम है कि नहीं है। आपको दोस्तों देखना ही है क्योंकि दोस्तों वॉल पुट्टी में कॉस्ट थोड़ा ज़्यादा आता है। तो अगर आप लोग इतना खर्चा कर ही लिया है तो थोड़ा चेक करने का जिम्मेदारी दोस्तों आपके ऊपर भी आता है। क्योंकि दोस्तों अगर आप लोग सही में चेक नहीं करेंगे तो भैया आपका डेफिनेटली दोस्तों आपका जो वॉल है बहुत स्मूथ या फिर साइन आपको उतना देखने को नहीं मिलेगा। इसलिए मेरे दोस्त जब भी आप लोग अपने घर पर वॉल पुट्टी का काम करें तो सबसे पहले आपको चेक इस तरह से करना है, तो सबसे पहले आपको लाइट लगा के दोस्तों चेक करना है कि सही में इसमें सैंड पेपर से घिसाई हुआ है कि नहीं। दोस्तों वॉल पुट्टी से जुड़े अगर आपके मन में कोई भी सवाल या डाउट है तो भैया आप हमें कमेंट कर सकता है, आपका हर सवाल का जवाब हम लोग जरूर देंगे।